सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, ये मुझे शो करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको अलग से प्रूव करो, इसको अलग से प्रूव करो, फिर दोनों को कंबाइंड करके बोलो। बट उससे बेटर ये है कि आप लेट ऐसे कहो, रूट टू प्लस रूट थ्री इज रैशनल। अगर हमने बोला रैशनल है तो इसको हमने बोला पी बाई क्यू, ऐसे लिख लो। अब क्या करो, एक टर्म को नहीं, पहले स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो, रूट टू का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू रूट टू इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो ये बन गया टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब क्या करो, फाइव को ले जाओ राइट साइड पे, तो क्या रह जाएगा, टू रूट सिक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर माइनस फाइव। तो इसका एलसीएम लिया और टू को यहाँ डिवाइड कर लिया, वन बाई टू पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो आरएचएस क्या है, आरएचएस इज रैशनल, ठीक है, बट एलएचएस इज इरेशनल। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। तो इसके बेसिस पे आप ट्राई करेंगे रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल, ये आप ट्राई कर लो, एक ये कर लो। और रूट टू माइनस रूट फाइव इज इरेशनल, एक ये कर लो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट। जैसे हम ये कह रहे हैं कोई नंबर है, सपोज 3/10, तो 3/10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3। तो 0.3 है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, सही है। और अगर कोई नंबर सपोज मेरे पास ऐसे है 1/3, तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0.3333, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। तो हैं दोनों ही रैशनल नंबर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। तो अब आप इसमें ध्यान दो, जिसमें अपॉन में 10 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। अगर सपोज मैं 1/2 बोलूँगा तो ये क्या आएगा, 0.5, तो अगेन ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अगर मैं आपसे 1/5 बोलूँगा तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है।
तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, 10, 2 और 5। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ए नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m, 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, या सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब कुछ एग्जांपल देख लिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग, as terminating and non-terminating. First part 3/8, second part 6/4, third part 17/14, 15/6। चलो पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोलेंगे, 3/8, इसका मतलब 3/2 की पावर 3, क्योंकि इसमें 2 है। तो आप कहें कि सर 5 तो है नहीं, तो 5 हम ऐसे ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। रीजन लिख लेंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m, 5 की पावर n, सही है। फिर सेकंड पार्ट 6/4, तो पहले हमेशा आप ये देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 3/2, तो 2 आ रहा है इसमें भी, तो यानी इट इज टर्मिनेटिंग। रीजन सेम यही। फिर थर्ड पार्ट है 17/14, तो नीचे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 और 7। तो ये क्या है, अब 2 है तो 2 तो ठीक है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रीज़न, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m, 5 की पावर n। अब कुछ बच्चे यहीं स्टक कर जाएंगे कि सर 2 तो है, उससे क्या हुआ, 7 है तो भाई कंडीशन क्या है, 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप कहो कि यहाँ तो 5 यहाँ भी नहीं था, लेकिन 5 की पावर 0 हम क्रिएट तो कर सकते हैं। तो और वैसे भी हमने ऊपर बोला कि जिसके अपॉन में 2 है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, जिसके अपॉन में 5 है वो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो 2 और 5 होना चाहिए, अदर देन 2 और 5 आ गया तो कभी भी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बस इसे ध्यान रखा। फिर फोर्थ पार्ट देखा, 15/6। अब इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती क्या कर देंगे, वो ऐसे लिखेंगे 2 × 3 और बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अभी हमने बोला कि पहले सिंप्लीफाई करो, कहाँ, इस क्वेश्चन में बोला। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ रहा है 5/2, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। रीज़न क्या है, रीज़न ये वाला आ गया, फिर से आया समझ, हो गया 4। फिर
अगर इसी में ही वो कह देगा कि जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल्सो स्पेसिफाई द डेसिमल प्लेस अप टू विच इट विल टर्मिनेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 7/2 5/2 और 16/4 5/3 7 थर्ड 343/2 5/3 और 17 17/3 × 2 × 5/4। तो इनमें फर्स्ट पार्ट आप देखो, ये क्या है, 7/2 5/2, तो ये तो क्लियरली पता है इज टर्मिनेटिंग। रीजन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, यही वाला रीजन ऊपर से। ठीक है, तो रीजन के बाद हमें ये बताना है कि कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो आप इनमें दोनों में से पावर देख लो किसकी बड़ी है, 2/3 बड़ी है और यहाँ 5/2 छोटी है, तो हम कह देंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस, जिसकी भी पावर बड़ी है उतनी प्लेसेस के बाद। तो अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू भी निकालना चाहूँ तो ये 8 हो गया, बल्कि ये 2/3 हो गया, ये 5/2 है, तो दोनों की पावर सेम करो। सेम कैसे होगी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 5 कर लो, तो उससे क्या होगा, ऊपर तो हो गया 35 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 2/3 और 5/3, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 35 और 10/3, और 10/3 का मतलब 1000 हो गया ये, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.035, यानी ये इसकी 3 प्लेसेस के बाद हमने बोला था ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दी। तो ऐसा नहीं करना कि इसको लॉन्ग डिवीजन करने लग जाओ, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, वो फिर आपका टाइम वेस्ट है। सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग, रीजन यहाँ पर 7 आ गया, रीजन आपको पता है डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2/5 और 5/n, 2/m और 5/n। फिर थर्ड पार्ट में 2 है और 5 है, तो क्लियरली 343/2/2 5/3 इज टर्मिनेटिंग, रीजन आपको पता ही है।
फिर अब कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये हम बताना चाहते हैं। अगर तो यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो दोनों को सेम करने के लिए 343 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 5 की पावर 3। समझ में आ रहा है ना? ऊपर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, क्योंकि 5 की पावर 1 कम थी, यहाँ 2 की पावर 3 थी, यहाँ 5 की पावर 2 थी, तो इसको 3 बनाने के लिए मैंने 5 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। इसको इस बार 2 की पावर को 3 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 686 अपॉन 10 की पावर 3। अब आपको पता ही है 686 अपॉन 1000 यानी 0.686। तो टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस, सही है। और फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में अपॉन में 3 है, तो सीधा ही लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, रीज़न आपको पता ही है, ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, ये हमारे पास नंबर है 43.124567 8 और 9, तो मुझे बताना है कि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, इज़ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग है, तो डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट जो है मेरे पास ऐसे है, 0.1201200, फिर 1200 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमने क्या बोला था, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है वो मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो इट इज़ इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल है तो हम तो बात रैशनल की कर रहे हैं, तो जोन में ही नहीं आता हमारा, तो यही लिख के छोड़ दिया। फिर दूसरा है 43.123, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है, चेक कर लेना क्वेश्चन, अगर मैंने चेंज भी कर दिया तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब जिसमें बार आ जाता है तो ये क्या है, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है।